मेरे 12th के फेयरवेल के टाइम पे हम सारे दोस्त एक आखिरी बार स्कूल को देख रहे थे। पता था अब कल से यहाँ नहीं आना होगा, एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी। हमने मिलते रहने का प्रॉमिस किया। उनमें से मेरी एक फ्रेंड थी जो शहर छोड़कर ही जाने वाली थी। हम सब दूर हो रहे थे एक दूसरे से और हमें पता था डिस्टेंस से हमें फर्क नहीं पड़ने वाला, आगे चल के भी हमारी दोस्ती ऐसी ही रहेगी। हम रोज मिलेंगे जैसे अभी मिलते हैं, रोज बातें होंगी जैसे अभी होती हैं। एक दूसरे को हम साफ शब्दों में बताकर गए थे कि टच में रहेंगे। फिर कॉलेज शुरू हो जाने के बाद सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो गए। नए दोस्त बन गए तो पुराने दोस्तों की बातें बचकानी लगने लगी। और मेरी फ्रेंड जो शहर छोड़कर चली गई थी, अब वो वापस इधर आती है तो मिलती भी नहीं। स्कूल में हमारा बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर नाम का 6-7 लोगों का ग्रुप था, जिनमें से बस एक दो ही है मेरे पास जो सच में टच में है मेरे। वक्त के साथ सब छूट जाते हैं, परिवार बनते हैं, फिर पता नहीं कैसे टूट जाते हैं। कुछ साल पहले मेरी एक दोस्त हुआ करती थी। हम रोज मिलते थे, बातें शेयर करते थे, साथ में घूमते फिरते रहते थे। मेरे अंदर उसके लिए फीलिंग्स थी तो मैंने उसे बता दिया, पर फिर उसके बाद पता नहीं उसे क्या हो गया, थोड़ा अजीब सा बिहेव करने लग गई वो, कटाकटा सा। हालांकि उसने मुझे मना कर दिया था, पर ऐसा नहीं था कि उसके मना कर देने से मेरा दिल टूट गया हो या मुझे बुरा लगा हो, मैं नॉर्मल था। पर वो खुद ही उसके बाद से मुझसे दूर दूर सी हो गई, ना मिलने के बहाने बनाने लगी, बात भी कम करती थी। फिर कुछ महीनों के बाद हम बिल्कुल ही अलग हो गए। मैं आज भी उसे मिस करता हूँ पर बात नहीं कर सकता। मैंने मेरी फ्रेंड को स्ट्रेंजर बनते देखा है। मैं आज भी सब पहले जैसा कर सकता ना तो कब का कर देता, पर यही लाइफ है ना, लोग आते हैं चले जाते हैं और हमें मूव ऑन करते रहना पड़ता है। वो मुझसे 1000 किलोमीटर दूर रहती थी। सोने से पहले गुड नाइट और जगने के बाद रोज गुड मॉर्निंग कहती थी। मुझे भी धीरे धीरे एहसास हुआ कि बिना मिले भी प्यार हो सकता है, तुम्हें सामने से उसे देखने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ बातों से ही रिश्ता कमाल हो सकता है। वो सॉरी बोलती थी अगर लेट रिप्लाई करती थी। मैं सोच ही रहा होता था टेक्स्ट करने का और वही सामने से कर देती थी। वाइब मैच हो रही थी 1000 किलोमीटर दूर। पर हर कहानी में एक ट्विस्ट तो होता ही है, मेरी वाली में भी था। फिर उसे उसी के शहर में कोई और मिल गया। मुझसे धीरे धीरे ताल्लुकात उसने खत्म कर दिया। मैं आज भी उससे नहीं मिला पर फिर भी उसकी याद आती है। कभी कभी टेक्स्ट कर देता हूँ उसे, पर अब वो हार हूं के अलावा कुछ और भेज ही नहीं पाती है। उसका नंबर है पर ना ही कॉल कर सकता हूँ ना ही डिलीट। कितना कुछ बदल गया ना साल भर में। पहले इनबॉक्स भरा रहता था, अब क्लीन। I'm not afraid to die.